शिवपुरी इंदिरा कॉलोनी में 37 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड बीमारी की वजह से डिप्रेशन में था युवक। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में एक 37 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक बीमारी की वजह से डिप्रेशन में था, जिस कारण उसने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार दिलीप साग की उम्र 37 वर्ष निवासी इंदिरा कॉलोनी शिवपुरी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपनी दो बच्चियों को लेकर होली और भाई दूज का त्यौहार मनाने मायके गई हुई थी। इसी दौरान मंगलवार की देर रात दिलीप ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। सर, ये क्या मामला है यहाँ पे? फांसी लगा के कोई बंदा आया है मृत अवस्था में, क्या पूरा मामला है? उसने फांसी लगाई, बीमार रहता था पहले उंगली में, कई चोट मोट ऐसा बताते हैं परिवारजन, इसीलिए उसने कल उसकी पत्नी चली गई थी मायके होली की वजह से जी। वो आए रात में, क्या बताते थे परिवारजन, तो यही बता रहे हैं कि उंगली में चोट लगी थी, हम लोगों ने वो इलाज कराया उनका जी। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है दिलीप, दिलीप पिताजी साख जी जी, इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। उम्र क्या होगी इसकी? उम्र 37 साल। वो बच्चे कितने हैं इसके? बच्चे दो बच्ची हैं, छोटी। अच्छा, दो बच्चियाँ, तो उनको लेकर पत्नी मायके गई थी? नहीं, वैसे चली गई थी होली की वजह से, दोज की वजह से। अच्छा, वो उंगली में क्या 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 बीमारी थी उसके? अब ये तो यही बता रहे हैं, पहले फ्रैक्चर हो गया था इसलिए।